हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मैं नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे बोर्ड की तरफ से आने वाले एडिट के EWE02 ईयरफोन्स के बारे में। काफी कम प्राइसेस में ये ईयरफोन्स दे रहा है, काफी फीचर्स मेंशन किए जा रहे हैं इस पे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसके फीचर्स क्या क्या है और कैसे है, परफॉर्मेंस कैसा है, माइक टेस्टिंग, गेमिंग टेस्ट सब दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, प्लास्टिक मेड है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, लेकिन ये बर्ड्स का पार्ट जो है ये मेटल का पार्ट है, तो और ये मैग्नेटिक भी है। देखिए बाकी फुल इंटीरियर डिजाइन है। और नेक बैंड की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, आप आराम से इन्हें देखिए फोल्ड कर सकोगे, आप पॉकेट में आराम से लेके जा सकते हो फोल्ड करके, इसमें तो कोई इश्यूज नहीं रहेंगे आपको। नेक बैंड की एक तरफ में कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कंट्रोल पॉड है, दूसरी तरफ बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है आपको, एक तरफ माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, यहाँ टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया गया है, और यहाँ एडिट की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो आप सिंपली ऐसे गले में से हैंग करके से रख सकते हो और यहाँ से मैग्नेटिकली अटैच करके आप घूम सकते हो। बस ऐसे आपको रख देना है, ऐसे घूमना आराम, इस तरह से रहेंगे ये। कंट्रोल्स बाहर के हिस्से में रहते हैं। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है इस पे, तो स्टेबिलिटी तो ठीक ठाक थी, 10 मिनट तक कोई इश्यूज नहीं आते थे। और इसपे एक और बहुत ही अच्छा फीचर दिया है जो कि इसका एक यूएसबी भी आप बोल सकते हैं, वो है डुअल पेयरिंग। हाँ, ये डुअल पेयरिंग सपोर्ट करते हैं, आप एक साथ दो डिवाइसेस कनेक्ट करके रख सकते हो एक ही बार में इनके साथ, जैसे कि आप लैपटॉप और मोबाइल एक साथ कनेक्ट रख सकते हो, दो मोबाइल्स कनेक्ट रख सकते हो, बहुत इजी हो जाता है दोनों डिवाइसेस के साथ इनसे यूज करना। मान लीजिए कि मैं कॉल आया है, आप म्यूजिक सुन रहे थे या मूवी देख रहे थे लैपटॉप में या दूसरे फोन पे, और किसी दूसरे फोन पे आपको कॉल आ जाता है, तो आपको म्यूजिक प्लेबैक वहीं पॉज हो जाएगा, आप आराम से कॉल ले सकते हो जो दूसरे फोन पे कॉल आया है आपको, और अगेन पहले फोन पे वापस आपकी म्यूजिक प्ले हो जाएगी जैसे कॉल कनेक्ट होगा। तो बहुत अच्छा फीचर होता है ये। इसके बाद अगर आते हैं वाटरप्रूफ रेटिंग की, तो ये IPX4 सर्टिफाइड है, तो आप हेवी रेन में तो यूज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत बारिश में जिम जॉगिंग में आराम से यूज कर पाओगे, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके बाद बात करते हैं चार्जिंग की, तो चार्जिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया, ये कॉस्ट कटिंग में तो थोड़ा बहुत ये ऐसा करेंगे, तो माइक्रो यूएसबी दिया है यहाँ पर। और अगर बात करते हैं चार्जिंग में कितना टाइम लगता है इन्हें, तो इन्हें फुल चार्ज होने में 1 घंटा 45 मिनट लग गए थे मेरे केस। चार्जिंग काफी स्लो है, काफी टाइम लगा देता है, लेकिन आपको क्विक चार्जिंग मिल जाता है। मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया था, 10 मिनट में चार्ज करके आपको 45 मिनट का म्यूजिक टाइम मिल जाता है। अगर बात करें कि आपको म्यूजिक टाइम कितना मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू एडिक्ट या बोट उन्होंने जो मेंशन किया है इसकी पैकेजिंग में, वो है 8 घंटे का म्यूजिक टाइम। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया 100% वॉल्यूम में, तो ये 5 घंटे 50 मिनट चले थे। जो मेंशन था एक्जैक्टली वो नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, हो सकता है 50 से 60% वॉल्यूम में उन्होंने टेस्ट किया होगा, 100% वॉल्यूम आपको 8 घंटे नहीं मिलेंगे अगर आप फुल साउंड में नहीं सुनते हो। वैसे भी आप सुनोगे नहीं, ये काफी लाउड हो जाते हैं, तो आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड डिपार्टमेंट। तो देखिए साउंड डिपार्टमेंट में हमेशा बोट थोड़ा बेस के लिए काफी फेमस है। साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ओके लगी, हालांकि लाउडनेस काफी है, बेस बहुत अच्छी है इनकी, बेस काफी लाउड बेस है, लेकिन वो जो आपको लो फ्रिक्वेंसीज की जो एक
डीप लो फ्रिक्वेंसीज होती है ना, उनकी आपको इफेक्ट नहीं आने वाला इनमें। ये मीन्स आपको एक जबरदस्ती की बेस नहीं होती, वो लगेगी। मीन्स आपको इनका साउंड सिग्नेचर वैसे एक्स्ट्रा बेस वाला है, लेकिन मुझे साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा इनमें कंप्लेंस है, मुझे वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी जैसा मैंने उम्मीद किया था। अगर आप पूछो कि इनमें कोडेक्स का सपोर्ट क्या है, तो यहाँ भी इन्होंने थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया है, एसी कोडेक का सपोर्ट नहीं दिया, सिर्फ एसबीसी सपोर्टेड है ये। ऑब्वियसली बात है, लाइसेंसिंग कॉस्ट बचाने के लिए कंपनी ये सब करती हैं, क्योंकि एसी कोडेक अगर देंगे तो उनका लाइसेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। बात करते हैं रेटिंग की, बेस में मैंने दूंगा 4.7 out of 5। ट्रेबल्स एंड वोकल्स ठीक है, 4.4 out of 5। साउंड क्वालिटी इतनी भी खराब नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आप एक अच्छे कंपनी के ईयरफोन अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा लगेगा कि साउंड क्वालिटी नहीं मिलती है। बस इन्होंने बेस को काफी प्रोनाउंस कर दिया है, बंदे को पता नहीं चलता है कि यार असली साउंड क्वालिटी क्या आ रही है। लाउडनेस तो इतनी है कि आप मैक्स में तो सुन ही नहीं सकते। मेरी लिसनिंग जो मैं नॉर्मल ईयरफोन सुनता हूं, मैं 50 से 60 में सुनता हूं, इनमें 40 में सुन रहा था, समझ सकते हो कि कितना लाउड हो जाता है ये। 100 में इतने लाउड हो जाते हैं कि आप सुन ही नहीं पाओगे, ईयर पेन चालू हो जाएगा, बहुत लाउड इनकी साउंड। अब बात करते हैं क्या वाइपर ऑडियो वगैरह यूज करके आप इनकी बेस और इंक्रीज कर सकते हो या फिर ट्रेबल्स वगैरह एनहांस कर सकते हो, तो हाँ वाइपर ऑडियो अच्छा खासा काम करता है इन पे। मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छी खासी साउंड मिली इस पे, बेस काफी और बढ़ा सका था मैं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही। इसके बाद आते हैं सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का। माइक में अगर बात करें तो सिंगल माइक है, कोई डुअल माइक ऑप्शंस नहीं है, सिंगल माइक दिए गए हैं और नॉइज कैंसलेशन में भी कोई मेंशन वगैरह नहीं है, और वैसा ही है ये, नॉर्मल कंडीशंस में ठीक ठाक काम करते हैं लेकिन नॉइजी कंडीशंस में काफी स्ट्रगल करते हैं, नहीं के बराबर, बहुत बेकार हो जाते हैं। अब चलते हैं इनका माइक में आपको दिखा देता हूं माइक कैसा है। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूं, देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही, काफी लाउड आ रही होगी क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में बहुत अच्छे काम करते हैं, इनका माइक बहुत अच्छा काम करता है लेकिन नॉइजी कंडीशंस में काफी स्ट्रगल करते हैं। अब मैं आपको धीरे बात करके भी दिखाता हूं, मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे ऑफिस एनवायरनमेंट में या फिर कहीं प्राइवेट टॉक्स करनी है तो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप देख लीजिए, आपका गाड़ी होगा मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। तो अब चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में, आप देख लीजिए नॉइजी कंडीशंस में कैसे काम करेंगे। अगर आप मान लीजिए किसी ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक में यूज़ कर रहे हो, तो आपकी आवाज़ कैसी जाएगी आप देख लो, नॉइजी कंडीशन में काफी प्रॉब्लम होती है। मेरा कैमरा माइक भी देख लो इसी कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, ये मेरा कैमरा माइक है, तब एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि देखिए उस पर साउंड कैसी आ रही है। अगेन हम चलते हैं इसके माइक में, तो ये इनका माइक देखिए, आपको पता चल रहा होगा डिफरेंस कितना है, नॉइज आइसोलेशन, नॉइज कैंसिलेशन कैसा कर रहा है आप देख लीजिए। चलते हैं क्लब म्यूजिक में, देखते हैं कैसा काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी क्लब वगैरह में हो, कहीं डिस्क में हो, कहीं ऐसी जगह में जहाँ हेवी म्यूजिक बज रहा है, देखिए आपकी आवाज़ कैसी जाएगी, आपको आइडिया होगा मेरी आवाज़ कैसी है। मेरा कैमरा माइक देख लो, कंडीशन में मेरा कैमरा माइक कैसा काम करे इस कंडीशन में, तो आपको एक डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा। मेरा कैमरा माइक देखिए सेम कंडीशन में ऐसा काम कर रहा है। अगर हम चलते हैं इसके माइक में, तो अब ये मेरे ईयरफोन के माइक है, देखिए आप कैसा आवाज़ कैसे आ रही, मेरे आप एक आइडिया लगा लो कि कैसा काम करेंगे ऐसी कंडीशन में। स्टिल कामचोरा प्रोडक्ट है, इस पर हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो ये तो इनका माइक टेस्टिंग की नॉइज़ी कंडीशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात करते हैं इश्यूज की, तो देखिए पहला इश्यू, साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग नहीं है। मींस काम चला हुआ है, आपको एक जो साउंड एक्सपीरियंस मिलता है ना, अच्छी क्वालिटी जो साउंड होती है, मींस जिसे आप बोलते हो कि जैसा स्टूडियो में उन्होंने चाहा था वैसे साउंड, वैसे नहीं मिलती है। इन्होंने अपने हिसाब से काफी फ्रीक्वेंसीज को ट्यून किया हुआ है, माइक उतना अच्छा नहीं है, काफी काम चला हुआ है। फिर भी अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो साउंड तो बहुत अच्छी है, लाउडनेस काफी है, उस हिसाब से रिकमेंडेड है। गेमिंग की अगर बात करें तो अगेन गेमिंग में हमेशा एक ही बात बोलता हूं, डिवाइस पे टोटली डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जैसे मेरे पास सैमसंग का टैब है, डिले नहीं के बराबर मिलता है, और मेरे पास एमआई का फोन है उस पर डिले मिलता है, टोटली आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ कमेंट्स करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो डिवाइस डिवाइस बहुत डिपेंड करता है। और देखिए कंफर्ट लेवल की अगर बात करें, कंफर्टेबल तो नॉर्मल कंफर्ट ही है क्योंकि फुल इन ईयर डिजाइन है, ऐसे हर्ट नहीं करते ये, उसमें आप लॉन्ग आस के लिए आराम से यूज कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूं, नॉर्मली ऐसे ही रहते हैं, उसमें खाली आपको इंसर्ट कर लेना है और इन्होंने अपनी जगह में लॉक हो जाना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक डिजाइन ऐसा ही होता है, आपको इंसर्ट तो अच्छा से करना होगा उसमें, ये चीज ध्यान रखिए, हल्का सा छोड़ मत दीजिएगा, ये पुश करना होता है इसके अंदर ताकि आपको अच्छी नॉइज आइसोलेशन मिल जाए। तो जैसे अच्छी खासी मुझे फील हो रहा है कि मुझे बाहर का बहुत कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, नॉइज आइसोलेशन काफी अच्छी करते हैं। अगर मैं बताऊं तो इनकी नॉइज आइसोलेशन ना 70 से 80% नॉइज बाहर की ब्लॉक कर दे रही है, बहुत सही नॉइज आइसोलेशन है। तो मैं आपको दिखाता हूं इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको जब इन्हें ऑन करना है तो ऑन करते हुए आपको बस बटन को प्रेस करके रखना है, तो जैसे मैं अभी ऑन कर रहा हूं, तो जैसे ही ऑन होंगे आपको बटन को छोड़ना नहीं है, बस प्रेस करते हुए, तो जब इस तरह से ब्लिंक करने लगेंगे दैट मींस ये पेयरिंग में चल गए हैं। देखिए तो अपने फोन या टैब के ब्लूटूथ में जाएंगे तो देखिए EWE02 नजर आ गए, बस इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। तो देखिए सिर्फ SBC कोडेक का आपको सपोर्ट मिलता है। तो जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसे सिंगल क्लिक करोगे बीच वाले बटन को जो कि पावर बटन है, तो प्ले पॉज होगा। देखिए नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए जो वॉल्यूम अप बटन है उसे प्रेस करके रखेंगे, प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन जो है उसे प्रेस करके रखेंगे।
वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए देखिए वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज वाला बटन। तो ये आपको कंट्रोल्स मिलते हैं कि गूगल असिस्टेंट का कंट्रोल आपको नहीं दिया है इस पर। और अगर आप पावर बटन को ट्रिपल क्लिक करेंगे तो लास्ट जो भी आपने कॉल डायल किया था वो रीडायल हो जाएगा। अब मेरे केस में मैंने सिम नहीं लगाया हुआ तो मुझे एरर आ रहा है नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क, बट ये हो जाता। ये कंट्रोल्स मिलते हैं। अब चलते हैं गेमिंग और लेटेंसी पे। तो लेटेंसी में आपको बस यही देखना है कि ये जो बॉल ड्रॉप होता है ये 0 ms में ड्रॉप होता है और आपको कितनी देर में सुनाई देगा वो डिले होगा। अब चलते हैं गेमिंग में। तो आपने देखा इसका गेमिंग टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा एक रिव्यू इन बोर्ड के एडिट EWE02 का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।